मैम, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आता है कि वल्नरेबल सेक्शन की मदद जो लॉन्ग टर्म में हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए जो जॉब क्रिएशन होना चाहिए उसमें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है उतनी जॉब और रियल प्रोडक्टिविटी किक इन करने में और वक्त लग जाए, क्योंकि हम सोशल सिक्योरिटी की मदद से चल रहे हैं। ये भी एक नुवांस्ड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सोशल वेलफेयर, आपने शब्द यूज किया वेलफेयर के, वेलफेयर परिवार तक पहुंचने के लिए हाँ जरूर करेंगे। वेलफेयर क्या होता है? उनको पॉकेट से खर्च ना करना ट्रीटमेंट को हॉस्पिटल में पहुंचने में, वो वेलफेयर है। जहां गरीब के लिए उनके खर्च, उनके पैसा, उनके सेविंग्स से ना हो, ना कि सरकार से, जो आयुष्मान भारत जैसे एक लार्ज ग्रुप इंश्योरेंस प्रोग्राम जिसमें सरकार प्रीमियम बना पे करते हैं, आपको मुफ्त में इलाज मिलता है 5 लाख रुपया तक, वो वेलफेयरिज्म। उसके लिए हाँ जरूर खर्च करेंगे। ऐसे ही अच्छा क्वालिटी स्कूल के लिए, कंप्यूटराइजेशन के लिए, कंप्यूटराइजेशन द्वारा बच्चों को नया तरीके से सिखाने के लिए, ये सब वेलफेयरिज्म कंटिन्यू करेंगे। मगर जब आप जॉब उसको इससे जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं ये बात स्पष्ट रखना चाह रही हूँ कि हर विषय, हर लार्ज प्रोजेक्ट, हर छोटे प्रोजेक्ट, हर पॉलिसी डिसीशन जब भी हम लेते हैं और कैबिनेट में जाते हैं मंजूरी के लिए, पहला प्रश्न ये आता है प्रधानमंत्री जी से कि इससे जॉब्स का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना नया जॉब्स उत्पन्न होगा इससे, डायरेक्ट कितना, इनडायरेक्ट कितना। इसके ऊपर स्पष्ट तैयार करने के बाद ही कैबिनेट नोट पहुंचता है कैबिनेट में। वो एक फिल्टर है जिसे पास होना चाहिए। हाँ, हर पैसा जो इन्वेस्टमेंट में आ रहा है उससे जॉब्स में, नया जॉब क्रिएशन में, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन में क्या असर पड़ेगा, ये त्रि मापदंड उपयोग करते ही है, वो एक विषय। दूसरा, जॉब्स मतलब एम्प्लॉयमेंट इन समबडी एल्सेस ऑफिस नहीं, सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उधर जाकर एक रोजगार मतलब एक जॉब लेना एक तरीका है, ठीक है, वो भी सचमुच अच्छा है। मगर अगर आप ही, आप में क्षमता है, आप ही अपने बिजनेस चलाने के लिए कोशिश करेंगे, उसको भी हम मदद कर रहे हैं, छोटे हो, एकदम छोटा हो या मीडियम साइज हो, उन सबको बिना कोलैटरल लोन देने का इतना तरह की पॉलिसीज जब है और स्कीम्स जब चलाते हैं, वो अपने अपने रोजगार अपने आप स्वयं क्रिएट करते हैं, और जब क्रिएट करते हैं एक आध लोग को जॉब भी देते हैं। इसीलिए इसमें जब हम प्रोत्साहन देते जा रहे हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट के कैलकुलेशन बैंक के द्वारा जितने लोगों को उनके अपने बिजनेस चलाने के लिए मदद मिला, और ऐसे मदद मिला जिसमें उनका कोलैटरल तक देने की आवश्यकता नहीं था, ये सब भी गिनती में आना चाहिए। ये मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ।